सही कह रहे हो, पता सुबह से मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था और इतनी परेशान हो रही थी कि वीडियो कैसे डालूंगी। हार के मैंने कराया रिचार्ज 118 का, अब जाकर चल रही है वाईफाई। बहुत दुखी कर रहा है जब से मैंने लगवाया, 6 महीने से ऊपर हो गया, रोते रोते, जबकि एयरटेल का है, कोई लोकल वोकल भी नहीं है, बहुत परेशान कर रही है। अभी काम पे ध्यान देते हैं। मैंने रख दिए हैं तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और प्याज हो गए हैं कट। बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्या क्या डालने वाली हूँ, पुलाव में पुलाव बनने वाला है। मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है जो कि ऐसे स्लाइसेस में कट किया है, टमाटो एक ही लिया है जिसको ये छोटा छोटा स्लाइसेस में कट किया है, एक पोटैटो, एंड यहाँ पर हमारी है सोयाबीन जिसको न्यूट्रेला भी बोला जाता है। ओके, इसमें से भी पानी निकालना, एक्स्ट्रा पानी, वैसे मैंने ठंडे पानी से धो लिया है। चावल मैंने भी कोके रख दिए हैं। ओके, तेल जो है गर्म हो रहा है, हो गया है, ये बंद कर देती हूँ, ज़्यादा हो जाएगा गर्म। और ये है कुछ खड़े मसाले जो कि बन गए लौंग, साथ में है 3 काली मिर्च और 1 तेज़पत्ता और है जीरा, और एक चीज़ भूल गई, हींग थोड़ी सी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और आप चाहो तो ना, जैसे कि अभी विंटर्स हैं तो आप इसमें ना वो भी डाल सकते हो, मोटी इलायची। हींग हो गई ये सारे मसाले, तो तेल जो गर्म है इसमें डाल देते हैं। हाँ, मैंने इसमें एक सिनेमम भी लिया है जिसको वो बोलते हैं दालचीनी, वो भी लिया। ये देखो, दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा सा, ये देखो। तो ये जो मसाले हैं खड़े मसाले, ये फूट गए हैं जैसे कि जीरा आप देख ही रहे हो, और उसके साथ मैंने डाल दी हैं प्याज। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, कच्चा पक्का ही भूनना है, लाइट ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है। तो इसमें मैंने डाल दी हैं टमाटर, साथ में डाल दी हैं आलू, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही में मैं डाल दूंगी सोयाबीन, एंड सोयाबीन आपको पता ही है कि कितनी हेल्दी होती है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो आप ऐसे चावल में डाल के बना लो, या फिर आप इसको अच्छे से क्रश करके परोंठे भी बना सकते हो, जिससे कि वैसे नहीं खाते हैं, नखरे करते हैं तो ऐसे खा लेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। मैं ऐसे ही खिला देती हूँ। और इसमें मैंने नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, एंड लाल मिर्च डाल दूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देना है, थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है, एंड साथ में थोड़ा सा आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो बस मसाले डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, एंड पानी थोड़ा सा डाल के ना मैं 5 मिनट तक इसको ढक दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो ग्रेवी है ना वो अपना कलर छोड़ जाएगी। तो बस जब 5 मिनट हो गए ना, तो मैंने इसमें डाल दिए चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। पहले हम जब चावल भिगो लेते हैं ना, तो बाद में जो चावल है खिला खिला बनता है, तो चावल अच्छे से धोकर मैंने डाल दूंगी। और इसमें मैंने 1 गिलास चावल लिया था, तो 1 गिलास के साथ मैंने यहाँ पर पानी डाला है 1.5 गिलास, वही सेम गिलास मैंने लिया था। तो वैसे तो मैं मेजर नहीं करती हूँ कभी भी, मैं ऐसे ही अपने अंदाजे से डाल देती हूँ, लेकिन कई बार जब वीडियो में बताना पड़ता है, सब पूछते हैं कि इतना डाला कितना डाला, तो ये बता रही हूँ जैसे कि 1 गिलास चावल मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, इसमें मैं 2 विसल दिलाऊंगी चावल को। ओके, तो कुकर को मैंने बंद कर दिया है और 2 सीटी का आने का इंतज़ार है, 2 सीटी में चावल बन जाएंगे। टाइम हो गया है 9, और आज मैंने जो कपड़े धोए हैं ना, आप भी देख के हैरान हो गए कि भाई 1 हफ्ते पहले मैंने कपड़े धोए थे, जब घर जाने से पहले, ससुराल जाने से पहले मैंने कपड़े धोए थे, और आने के बाद एक दिन जाने के मतलब पहले धोए थे, और आने के बाद इतने सारे कपड़े हो गए ना, आप खुद ही हैरान हो जाओगे। और उसके बाद तो डेफिनेटली मेरे को बैक पेन होना ही होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विंटर्स मुझे होता ही है, और साथ में जैसे कि सी सेक्शन हुआ था उसके बाद होता ही है मेरे। और आज ना मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट लगाया है, उसके लगाने के बाद सिर से गाइस मुझे पेन नहीं है, टजुड नहीं है मुझे पेन, और मैं आराम से काम कर रही हूँ, एक्टिव हूँ। और मुझे लगता है कि वो प्रोडक्ट मेरे को स्किप करना चाहिए, मतलब मैं हर दिन, अब मेरे को हल्का सा पेन होगा ना तो मैं लगाऊंगी। और फिर मुझे लगा कि जब मुझे मतलब इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि वो ऑयल मैंने ना कल भी लगाया था, परसों भी लगाया था, क्योंकि मेरे बैक में पेन हो रहा था, तो फिर मैंने उसको लगाया, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वो प्रोडक्ट ना मेरे लिए मैजिक का काम किया, जादू का काम किया उसने, और लगाते के साथ ही पेन कहाँ है पता ही नहीं। तो आगे वीडियो देखो कि मैंने क्या लगाया है। और अगर आपके भी पेन होता है कहीं से, पुराना सा पुराना भी दर्द है ना, तो वो छू मंतर, मतलब आपका दर्द ना आपको पता ही नहीं चलेगा आपका कहाँ गया। तो चलो आगे देखो, जब तक मेरे चावल बनते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ ना वो ये प्रोडक्ट है क्विक पेन रिलीविंग ऑयल। सी गाइस, और ये मुझे ओजोन आयुर्वेदा की साइट से रिसीव हुआ है और आउटर पैकेजिंग आप देख सकते हो। सी, और इसके ऊपर सब कुछ मेंशन है कि इसे इसके अंदर क्या क्या ऐड है एंड इसका मेथड भी इसमें दे रखा है कि हमें इसको कब कब यूज करना है, कैसे कैसे यूज करना है एंड साथ ही में इसमें क्वांटिटी दे रखी है। इसकी इस ऑयल की क्वांटिटी हमें 120 ml की मिल रही है और साथ में इसकी सेल्फ टाइम हमें 3 इयर्स की मिल रही है। 3 इयर्स आराम से हम इसको यूज कर सकते हैं। MRP की बात करते हो इसकी MRP 283 है। आप इसको ओजोन की साइट से या फिर Amazon या Flipkart से परचेज करोगे तो आपको 10 या 5% आराम से डिस्काउंट मिल जाएगा। हमें क्यूट सी बॉटल मिल रही है और साथ ही में हमें एक ये पैम्पलेट मिलता है सी, जिसके ऊपर सब कुछ मेंशन है कि इस ऑयल को हमें कहाँ कहाँ यूज करना है और यू नो क्वांटिटी वगैरह सब कुछ मेंशन है। ठीक है, तो अभी बॉटल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, एक क्यूट सी बॉटल मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है जिसका कलर है काइंड ऑफ ब्लू और जो इंग्रेडिएंट इसमें है ना वही सब कुछ इसमें मेंशन है सी, और यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है और इसमें सेल्फ लाइफ एंड इसमें MRP सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, और इस बॉटल को आप कहीं पे भी इजिली कैरी कर सकते हो। ये ट्रैवल फ्रेंडली है बिकॉज ये कंटेनर जो है ना प्लास्टिक का है तो कहीं पे भी टूटने वूटने का डर नहीं है। और इस ऑयल की मैं बात करूँ तो ये ऑयल हर घर में होना चाहिए बिकॉज इससे इतना रिलीफ मिलता है ना कि आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, जैसे कि लाइक पेन किलर हो गया, मूव हो गया, या फिर और भी पेन की जो ट्यूब आती है या फिर स्प्रे आता है, उस किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बिकॉज मैं अपना बताऊं एक्सपीरियंस, तो इससे पहले मैं इतनी पेन किलर खा चुकी हूँ ना, इतनी पेन किलर खा चुकी हूँ मैं, मतलब आपको बता ही नहीं सकती। तब भी मुझे रिलैक्स नहीं मिलता था, मुझे पेन होता ही होता था। या फिर मैं मूव की बात करूँ, स्प्रे वाली मूव हो गई या फिर अलग अलग जो अलग अलग आती है पेन की, सब कुछ मैंने ट्राई करके देख लिया था लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिलता था। बट मैं जब से इसको यूज करने लगी हूँ ना तो आई डोंट नो कि मैं इसको छोड़ने वाली हूँ, मैं इसको रोज ही लगाती हूँ। और ये देखो, ये यहाँ तक ना खत्म भी हो चुका है सी, यहाँ तक खत्म हो चुका है। और इसे आपको कहाँ कहाँ लगाना है, जैसे कि आपके नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है, या फिर लोअर बैक में पेन है, नीज में पेन है, या फिर कोई जॉइंट पेन है या मसल्स पेन है, कोई भी आपका पुराना सा पुराना दर्द है ना, ये आपका वो मिनटों में गायब कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कहीं पे भी दर्द था। ठीक है, इस ऑयल को आपको आराम से पाम में लेना है, या ले लिया आपको डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है, आपको पाम में लेकर हल्के हल्के हाथ से अप्लाई करना है जहां पर भी आपको पेन है, या फिर आपको इसको एक बाउल में ले लो, बाउल में डाल के आप इसको लगाओ। डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है, जैसे कि आपके नेक में पेन है, आपको जैसे कि आपने यहाँ पर लगा लिया, आपने पाम में लेके यहाँ पर लगा लिया और आपको एक सेम डायरेक्शन में आपको इसको अप्लाई करना है, ज्यादा हार्डली नहीं करना है। पता चले आपको थोड़ा सा दर्द है, आपको ज्यादा दर्द होने लगे। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो इसमें कोई भी हार्ड फ्रेग्रेंस नहीं है, आपको लाइटली एक कपूर की फ्रेग्रेंस आएगी कि जो आप तक ही रही, किसी और के पास वाले मेंबर पे नहीं जाएगी। कि जैसे कि हम मुंह वगैरह लगा लेते हैं वो बहुत ज्यादा फैल जाती है और साथ वाले को पता चलता है कि हमने कुछ ना कुछ लगाया है। तो ये जब से मैं ऑयल लगाती हूँ किसी को नहीं पता चलता कि मैंने मतलब लगाया, क्योंकि लाइटली बिल्कुल लाइटली कपूर की आती है। तो अभी बात करते हैं कि इस ऑयल के अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट है जो कि हमारे पेन को क्विक रिजल्ट देता है, रिलीफ मिलता है। तो इसके अंदर महानारायणा तेला है, विश्वकर्मा तेला है, पुदीने का फूल है, कैप्सिकम लेशन है एंड कपूर। तो इसके अंदर वही सब इंग्रेडिएंट जो हमारे पेन को रिलीफ देती है। अब बात आती है कि ऑयल को अप्लाई कैसे करना है। इसको आपको नहाने के बाद करना है एंड सोने से पहले करना है। इट मीन्स आप दिन में 2 से 3 बार इसको अप्लाई कर सकते हो एंड सेम डायरेक्शन में हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करना है। और साथ ही में आपको अवॉइड करना है जहां पर आपका कटा हुआ है, जैसे कि मान लो अगर आपका कहीं कट लग जाता है, कहीं पे रैशेज हो रहे हैं, कहीं पे दाने वगैरह हो रहे हैं, वहां पर आपको इसको नहीं अप्लाई करना है। और छोटे बच्चों से दूर रखना है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये हर घर में होना चाहिए ऑयल, बिकॉज आज के टाइम में किसी ना किसी के कहीं ना कहीं पेन होता रहता है और पेन के चक्कर में ना हम बेड को पकड़ ही लेते हैं कि नहीं अब हमें बेड पे बैठना है, हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, हमारे वहां दर्द हो रहा है। तो भैया अपने आलस को भगाओ बाहर, अपने दर्द को भगाओ बाहर और इस ऑयल को लेकर आओ, जितना भी दर्द है दर्द को करो दूर। ठीक है, जो ये मैंने आप लोगों से रिव्यू शेयर करा ये एकदम 100% रिव्यू है। ऐसा नहीं है कि मुझे मिल गया और मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मुझे रिजल्ट अच्छा लगा, देन मैंने आप लोगों से शेयर करा। और अगर आप लोगों को परचेज करना है तो इन सबके लिंक आप जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपके भी कहीं ना कहीं दर्द रहता है, आपके फैमिली में किसी को कहीं ना कहीं दर्द रहता है, नीज में पेन है, शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, कहीं भी पेन है, आप इसको लगा सकते हो इजिली और MRP भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल जाएगा। साथ ही में 3 साल की वारंटी मिल रही है, 3 साल आपका आराम से चल जाएगा। एक छोटा सा रिव्यू, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। क्या पता आपके किसी भी फैमिली मेंबर को नीड हो इस ऑयल की, है ना। तो चलिए शेयर कर देना, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। बाकी इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू रखते हैं, यहाँ पर एंड नहीं होता।
लीजिए गर्मा गर्म पुलाव रेडी है साथ में अचार। तो आइए फ्रेंड्स कर लीजिए डिनर, और किस किस के मुंह में पानी आए ये जरूर बताना। खुशबू से तो अच्छे लग रहे हैं, बाकी खाने में पता चलेगा कैसे बने हैं। तो चलो मैं डिनर करके आप लोगों से मिलती हूँ। चलो क्या नेट नहीं चल रहा? इंटरनेट नहीं चल रहा, नेट नेट बहुत तंग कर रहा है बहुत। चलिए खा के बाय। तो बस डिनर करके मैं सीधा करने लगी थी किचन क्लीन, और जो चावल है ना ट्रस्ट में गाइस इतने टेस्टी बने थे ना, अगर कभी भी आपने खड़े मसाले डाल के ट्राई नहीं करा तो ज़रूर 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 अभी जाकर बनाओ और खाना टेस्टी लगेंगे। अचार के साथ तो और भी मज़ा आ गया था गर्मा गर्म खाकर। और या बताना आप लोग, बताना आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, एंड साथ ही में ये भी बताना प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आपको भी नीड है ना तो जल्दी से कर लो उसको ऑर्डर और मंगा लो। तो चलिए ब्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा लव यू गाइस बाय बाय।